गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास 7 के स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है कि मैं सेल्फ प्रैक्टिस 2L का क्वेश्चन नंबर 6 तक एक्सप्लेन किया हूँ। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी किए हैं 6 में, जैसे ए नंबर, बी नंबर, एफ नंबर, ऐसे करके आपको बताए थे। आज आपको मैं सेल्फ प्रैक्टिस 2M स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बोल रहा है फाइंड इन सेंटीमीटर, कह रहा है कि सेंटीमीटर में आपको बताना है द हाइट ऑफ ए पाइल ऑफ 15 बुक्स इफ ईच इज 2 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर थिक। कह रहा है कि आपका एक बुक का आपका थिकनेस जो है वो 2 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर दिया हुआ है, ऐसे 15 बुक का हाइट आपको ज्ञात करना है। तो पहले तो आपका जो दिया हुआ है यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, आपका 2 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर दिया है, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, ये आपका सेंटीमीटर में आ गया, यानी 2 प्लस 0.3 हो जाएगा। 1 डिजिट है तो 10 के इक्वल हो गया, और 1 के वजह से पॉइंट, और 2 प्लस 0.3 दोनों को प्लस करेंगे तो 2.3 सेंटीमीटर आपका हो गया, ये आपका थिकनेस हो गया। इसके बाद देखेंगे कि बोल रहा है कि हाइट ऑफ, यानी हाइट ज्ञात करना है, तो लिखेंगे इस तरह कि द हाइट ऑफ इक्वल टू, लिखेंगे आप 2.3 into नंबर ऑफ बुक्स, ये आपका दे दिया है 2.3 इंटू 15, पॉइंट उड़ गया आपका 10। मैं देख रहा हूँ कि आपका 5 से 2 बार में जाएगा और 5 से ये 3 बार में चला जाएगा। आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 बाई 2। जब आप इसको पॉइंट में करेंगे तो 3 और आपका 4.5, आपका 34.5 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि आपका एक बुक का दिया हुआ है थिकनेस 2.3 सेंटीमीटर, तो ऐसे 15 बुक्स का जब आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 34.5 सेंटीमीटर, आपका आंसर 34.5 सेंटीमीटर आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2, ए पाइल ऑफ 160 सीट्स इज 6.08 सेंटीमीटर हाइट, फाइंड इन मिलीमीटर द थिकनेस ऑफ 1 सीट। कह रहा है कि 160 सीट का आपका हाइट दे दिया है 6.08 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि 1 सीट का आपको थिकनेस बताना है, वो भी मिलीमीटर में आपको बताना है, तो लिखेंगे थिकनेस ऑफ 1 सीट। क्वेश्चन नंबर 2, थिकनेस, ये आप सॉल्यूशन निकालेंगे, थिकनेस ऑफ 1 सीट इक्वल टू 6.08 बाई आपका कितना है 160। जब आप इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.038 सेंटीमीटर। जब आप 160 से डिवाइड करेंगे 0.6.08 में तो आपका आएगा 0.038 सेंटीमीटर। अब इसको आपको मिलीमीटर में चेंज करना है तो लिखेंगे कि कन्वर्ट इट इन मिलीमीटर। अब मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कन्वर्ट
एट इंटू मिलीमीटर। आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर, तो आप लिख सकते हैं कि 0.038 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 × 0.038। आपका पॉइंट उड़ गया, तो आगे आपका 1000, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 0.38 और यहाँ आपका 0 हो जाएगा मिलीमीटर, यानी 0.38 आपका मिलीमीटर आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपको। हाउ मैनी पीसेस ऑफ टेप इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। करें कि एक आपका पीस का लेंथ दे दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी लंबा है। कैन बी कट फ्रॉम ए लेंथ ऑफ 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। करें कि आपका टोटल लेंथ दे दिया गया है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, इसमें से 6 पीस का एक टुकड़ा का भी लेंथ दे दिया है, तो कह रहा है कि एंड हाउ मच रिमेंस। आपका टोटल लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर 5 सेंटीमीटर है, इसमें 6 सेंटीमीटर का एक एक टुकड़ा आपको काट कर निकालना है, तो टोटल टुकड़ों की संख्या कितनी होगी। साथ ही आपको यह भी बताना है एंड हाउ मच रिमेंस, और कितना अंत में आपका बच जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट नंबर के आप 3 का सॉल्यूशन निकालेंगे, तो 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर दे दिया है, तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, आप प्लस 5 सेंटीमीटर दोनों को प्लस कर देंगे, 105 सेंटीमीटर आपका हो गया। इसके बाद 6 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस यानी टुकड़ों का संख्या, तो 105 में आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 17.5। आपका 17.5 आ जाएगा, जिसमें 0.5 है, पॉइंट के बाद आपका जो 5 आ गया सेंटीमीटर will be remains, and 17 जो आपका पीस आया यानी पॉइंट से जो आपका पहले आया है वो आपका क्या हो जाएगा, टुकड़ा होगा, यानी 17 pieces। अब आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, ये 6 से देखिए आप डिवाइड करेंगे, तो 1 बार में आपका चला गया 6, यानी 4 आ गया, ऊपर से हो गया 5, आपका 7 बार में चला जाएगा 42, तो 3 और एक कैंसिल, 0.0 और 6 5 जा आपका 30 हो गया। तो जो आपका अंत में ये 3 आ गया आपका यहाँ पर, ये पॉइंट के बाद, ये देखिए ये सही है आपका, लेकिन आपका पॉइंट में देखिए ये नीचे में रिमाइंडर आपका 3 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 सेंटीमीटर विल बी रिमेंस और 17 पीसेस आपका टुकड़ा हो गया। इस पर ध्यान देना है, 0.05 नहीं लिखेंगे, जो अंत में आपका ये बच गया है ये आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, विल बी रिमेंस, और यहाँ पर 17 पीसेस हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए।
हाउ मेनी, नहीं इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख ले रहे हैं, ए रेसिंग कार ट्रेवल्स 425 मीटर इन 10 सेकेंड तो एक्सप्रेस दिस स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि आपका एक रेसिंग कार है जो टोटल आपका 10 सेकेंड में 425 मीटर आपका ट्रेवल कर रही है, तो उसको किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड बताना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन ए स्पीड ऑफ कार 1 आवर, स्पीड ऑफ कार आप लिखेंगे पर सेकेंड इक्वल टू, स्पीड ऑफ कार पर सेकेंड निकालेंगे जब, तो आपका कितना दिया हुआ है बुक में 425 मीटर, ये आपका दे चुका है। इसके बाद लिखेंगे कि कार एक्सप्रेस इन 1 मिनट स्पीड ऑफ कार पर सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड पर आपका 400, हर एक सेकेंड नहीं आपका 10 सेकेंड्स दिया हुआ है, सॉरी इस पर ध्यान देना है कि 10 सेकेंड पर आपका 425 मीटर जा रहा है, तो लिखेंगे कार एक्सप्रेस एक्सप्रेस इन 1 मिनट, 1 मिनट में आपका कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 625 into 6 और आपका इस प्रकार आ जाएगा 2550। आपका 1 मिनट में, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए आपका ये 10 सेकेंड है तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, इसीलिए आपका 6 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो इतना आ गया। अब लिखेंगे 1 आवर में, सो 1 आवर में आप जब निकालेंगे यानी कि इट मीन्स 60 मिनट में जब निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2550 इंटू आप निकाल देंगे 60 मिनट से, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आएगा 153000 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं आपका मिनट में यह हो जाएगा। ध्यान दीजिए स्पीड ऑफ कार 10 सेकेंड्स इक्वल टू 425 मीटर, हर एक 10 सेकेंड पर 425 मीटर जा रही है, तो आप कार एक्सप्रेस इन 1 मिनट 1 मिनट में निकाले तो 6 से मल्टीप्लाई कर लिए, इसके बाद जब 60 मिनट में निकालेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना मीटर हो गया, और मीटर को आप किलोमीटर में आप चेंज कर देंगे, कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर। आपको मालूम है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो आप इसमें 153000 बाई 1000 कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, आपका 153 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। इसके बाद जब आपका पूछ रहा है स्पीड तो आप लिख देंगे स्पीड इक्वल टू 153 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये तो 1 आवर में ही निकाला हूँ 60 मिनट में, तो 153 किलोमीटर बाई पर आवर ये आपका क्या हो गया स्पीड हो गया। और इसमें जो क्वेश्चंस बच गया है आपको मैं वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूँगा। थैंक यू।